अगर आप भी सेकंड हैंड मोबाइल खरीदते हो या खरीद चुके हो या अभी खरीदने वाले हो फ्यूचर के लिए, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने सेकंड हैंड मोबाइल का ही उसका पूरा डिटेल निकाल सकते हो कि उस मोबाइल के साथ EMI का कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ हो, कोई सॉफ्टवेयर का उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, या आप बता दें कि उस पर कोई चोरी या FIR तो दर्ज नहीं है या पुलिस केस उस पर नहीं हुआ है। इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन में आपको देखने को मिल जाएगा कि कैसे आप सेकंड हैंड मोबाइल का डिटेल आप निकाल सकते हो कि वो जो मोबाइल है उसके ऊपर कोई केस FIR दर्ज तो नहीं है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत से ऐसे ब्रांड है फोन का जिसमें आपको अच्छा मोबाइल, अच्छा प्रोडक्ट जो होता है कम पैसे में आपको सेकंड हैंड मिल जाता है, जिससे बहुत सारे लोग जो हैं उस प्रोडक्ट को देखने के बाद वो चाहते हैं कि मैं जल्दी से इसे खरीद लूं एंड ये अच्छा मौका है मेरे को फोन खरीदने के लिए। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि उस फोन पे कोई FIR दर्ज होता है या कोई उसमें चोरी का केस लगा होता है या उसका जो EMI नंबर होता है उसका सॉफ्टवेयर के साथ में छेड़छाड़ हुआ था। तो इससे क्या प्रॉब्लम होता है कि इन फ्यूचर आप उस फोन को खरीद लेते हो एंड खरीद लेने के बाद उस पे क्या होता है, जैसे आप अपना उसमें सिम जैसे पुट करते हो तो आपके वो जो सिम है वो EMI नंबर द्वारा सिम को ब्लॉक कर दिया जाता है। उसके बाद आप पुलिस से सीधे भेंट करोगे क्योंकि पुलिस आपको लेने आ जाएगी कि आपने चोरी का मोबाइल यूज किया है एंड आपके नाम पे FIR होता है। तो चलिए इस वीडियो में फुल एक्सप्लेन में आपको देखने को मिल जाएगा कि कैसे आप अपने मोबाइल का पूरा डिटेल निकाल सकते हो या किसी और के मोबाइल का डिटेल निकाल सकते हो कि उस मोबाइल पे कोई FIR दर्ज है या नहीं है या इनवैलिड यूज हुआ है या अनलिस्टेड है या ब्लॉक किया गया उसका EMI। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसी भी मोबाइल का जानकारी निकालने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने फोन पे आना है, फोन अपना मोबाइल ले लेना है एंड मोबाइल ले लेने के बाद आपको सबसे पहले अपने डायलिंग पैड पे जाना है जहाँ पे आप अपना नंबर टाइप करते हो। नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको कोड, यहाँ पे लैंग्वेज होता है वो आपको यहाँ पे कोड टाइप करना है *0, यहाँ पे देख लीजिए *06#। जैसे आप ये टाइप करते हो तो आपका फोन का EMI नंबर यहाँ पे कुछ इस तरह का निकल के आ जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या होगा, अपना फोन का EMI नंबर यहाँ पे कॉपी कर लेना है, जैसे कि मैंने ये कॉपी कर लिया एंड कॉपी कर लेने के बाद इसे मैं ओके करता हूँ तो मेरा जो फोन का EMI नंबर था वो कॉपी हो चुका है। उसके बाद आपको करना क्या होगा, आपको अपने फोन का जो मैसेज होता है जहाँ से आप मैसेज सेंड करते हो वहाँ पे मैसेज पे जाना है। मैसेज पे जाने के बाद यहाँ पे देख लीजिए आपको प्लस का आइकन मिल जाएगा, जैसे कि किसी को भी मैसेज करना नॉर्मली सब फोन का अलग अलग है आप वो कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको टू में यहाँ पे देख लीजिए ऊपर आपको कौन से नंबर पे मैसेज करना है, तो यहाँ पे 144, यहाँ पे 14422, सिंपल सा आपको इसी पे मैसेज करना है, 14422 पे मैसेज करना है। एंड मैसेज में क्या करना है आपको, यहाँ पे इंटर है मैसेज पे, आपको यहाँ पे मैसेज सेंड करना है। जो जो मैं यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ उसे आप फॉलो करते रहिए, इसी तरीके से आप अपने मोबाइल का डिटेल निकाल पाओगे। तो उसके बाद आपको यहाँ पे बड़े अक्षर में KYM लिखना है, KYM लिखने के बाद एक स्पेस देना है, स्पेस देने के बाद आपको यहाँ पे देख लीजिए ब्रैकेट देन ये आपको लगाना है, ब्रैकेट देन, फिर उसके बाद अपना फोन का EMI नंबर जो आपने कॉपी किया था उसे पेस्ट कर देना है, उसके बाद लेस देन, ये लगाने के बाद आपको सेंड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करोगे एक अलाउ मांगेगा, अलाउ करने के बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस यहां पे देखने को हो जाता है। जब तक ये मैसेज आपका सेंड नहीं होगा तब तक आपके मोबाइल का डिटेल नहीं आएगा। उसके बाद यहां पे आप देख लीजिए ये मेरे मोबाइल का डिटेल आ चुका है, यहां पे मेरा ये कंपनी का जो EMI नंबर है एंड यहां पे कंपनी है वीवो मोबाइल कम्युनिकेशन Co. यहाँ पे लिमिटेड, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ये जो मेरा फोन से यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपका फोन LTE है या वो वोल्टी है, 4G है, वो सब यहाँ पे दिख जाएगा, CDM जो भी है, ब्रांड यहाँ पे वीवो एंड मॉडल नंबर आपको देखने को मिल जाता है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दो दो बार ट्राई किया था, एक बार पहले ट्राई किया था, एक बार अभी ट्राई किया, जिससे आप लोगों को नॉलेज में आ गया होगा कि कैसे आप अपने मोबाइल का डिटेल से निकाल सकते हो। एंड अदरवाइज अगर आपका यहाँ पे अगर फोन ब्लॉक रहता है, मतलब कि फोन चोरी का रहता है या कोई उस पे FIR दर्ज रहता है, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा, वहां पे लिख के आएगा इनवैलिड यूज या ब्लॉक अनलिस्टेड, कुछ इस तरह का लिख के आएगा स्क्रीन पे आप देख सकते हो। तो पहले आप अगर कोई भी फोन खरीदते हो सेकंड हैंड तो पहले से ही सावधान हो जाइए, अपने आप को स्मार्ट बनाइए ताकि कोई भी फोन लो तो आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कार्रवाई ना की जाए। तो फोन लेने से पहले आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिए एंड चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में इस तरह की वीडियो डालेंगे तो आप उसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाएंगे।